नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं लुक स्मार्ट। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सुभाषपा नेत्री हत्याकांड में कोतवाल और चौकी प्रभारी पर गिरीगाल छावनी में तब्दील हुआ गांव। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने कहा कि नामजद 5 आरोपियों में 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपित एक पहले से जेल में है, 5वें आरोपित को भी जल्द गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। मामले में संलिप्त सभी पर कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। लापरवाही मिलने पर कोतवाली प्रभारी व बदिया चौकी प्रभारी पर कार्यवाही कर दी गई है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा की महिला नेत्री नंदिनी राजभर की हत्या ने जनपद को हिलाकर रख दिया है। दिन दहाड़े हुई इस हत्या ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा किया है। रविवार को देर रात तक बैकफुट पर ही पुलिस का मोर्चा आईजी ने संभाला तो मामला पटरी पर आया। पति की तहरीर पर 5 आरोपितों पर हत्या का मामला दर्ज हुआ। एक महिला समेत 3 आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपित पहले से ही जेल में है, एक आरोपित अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। प्रथम दृष्टया लापरवाही बरतने वाले कोतवाली प्रभारी और औद्योगिक नगर क्षेत्र के चौकी प्रभारी पर कार्यवाही करते हुए हटा दिया गया है। कोतवाल को जनपद से हटाकर बस्ती आईजी कार्यालय से संबुद्ध कर दिया गया। इसके साथ ही पूरे मामले की जांच बस्ती के अपर पुलिस अधीक्षक को सौंपी गई है। जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एसआईटी जांच का निर्देश दिया गया है। शहर के डीगा मोहल्ले में रविवार को दिन के करीब 3 बजे सुभाषपा महिला सभा की प्रदेश महासचिव नंदिनी राजभर की चाकू से गुदकर हत्या कर दी गई। मृतक की सास ने उन्हें खून से लथपथ देखा तो शोर मचाया। मौके पर आसपास के लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए। सभी हत्या के पीछे भूमि विवाद को कारण मानते हुए पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाने लगे। लोगों ने पुलिस को शव को कब्जे में लेने से रोक दिया और नारेबाजी करने लगे। ग्रामीणों का आरोप था कि पुलिस ने 29 फरवरी को नंदिनी के चचेरे ससुर की मौत पर सार्थक कार्यवाही नहीं की, इसी के चलते भूमाफियाओं ने नंदिनी की भी हत्या कर दी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लुक स्मार्ट।